हे गाइस व्हाट्स अप, आई एम टोक्रेडिट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस कैसे हो सारे, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस जो भी इंस्टाग्राम में फॉलो करता है उसे पता होगा कल मैंने ये वाली पिक अपलोड करी थी इंस्टाग्राम पे, एंड इसके नीचे आप सब लोगों के काफी ज्यादा कमेंट्स आ गए थे कि टोकर भाई इसके ऊपर ट्यूटोरियल बनाओ, इसके ऊपर वीडियो बनाओ कि आपने एडिट कैसे करी, क्योंकि काफी यूनिक एडिटिंग थे एंड इसके अंदर जो पीएनजी मैंने यूज करे वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ मैं पीएनजी दे सकता हूँ, क्योंकि जो पीएनजी बनाए उसे मैंने ही बनाया, मतलब मैं ही उस पीएनजी के अंदर। सो ठीक है गाइस, एंड जो भी मैं पीएनजी एंड बैकग्राउंड यूज़ करूँगा सबका लिंक आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड गाइस ये वीडियो जो है ना आप स्टेप बाय स्टेप पूरा देखना, ठीक है, मैं आपको पूरा समझा दूंगा स्टेप में फोटो एडिटिंग कैसे करनी है, तो वीडियो को स्किप मत करना नहीं तो एडिटिंग समझ में नहीं आएगी एंड एक आधा चीज रह जाएगा तो एडिटिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। ठीक है गाइस, सो गाइस जब तक आप जो इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जाओ इंस्टाग्राम में फॉलो करो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा मेरा इंस्टाग्राम का भी सब चीज का, तो जाओ इंस्टाग्राम में फॉलो करो एंड चल चलते हैं वीडियो तरफ। ओके सो गाइज इसके लिए सबसे पहले आपको इस तरह की फोटो क्लिक करानी, ठीक है, जिसमें आपको जो अपने सबसे ज़्यादा मेन है वो आपका हाथ रखना है कुछ इस तरह का, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें हाथ में अपने बंदूक की एक पीएनजी पकड़वानी है, मतलब गन की पीएनजी हाथ में लगानी है। सो आर डेटा हाथ मत करना, सेम ऐसे ही करना, तो इससे क्या होगा पीएनजी हम आराम से लगा सकते हैं। तो सिंपली इस तरह के पोज में एक फोटो क्लिक करा लेना आप लोग भी, ठीक है, थोड़ा सा एटीट्यूड में देखे पोज, फिर शेयर पे जाना, शेयर पे जाने के बाद पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर इसे ऐड कर लो। अब एक देखा ये क्या क्या हो रहा है, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर इसे ऐड कर लो। ओके देन हम जाएंगे, इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लूंगा पहले नीचे से मैं, एंड फिर थोड़ा सा और कर लूंगा ज्यादा। ओके सो गाइस अब जाएंगे हम टूल्स में, फ्री क्रॉप में, देन इसका पूरा बैकग्राउंड इरेज कर लेंगे हम अच्छे से। सो पूरा एरिया को हमें सिलेक्ट कर लेना अपना, ठीक है, एंड बैकग्राउंड को सिलेक्ट मत करना, सिर्फ अपने एरिया को सिलेक्ट करना अपनी बॉडी को सीधा, फिर हम इसका पूरा बैकग्राउंड इरेज कर लेंगे। सो गाइस इसका पूरा बैकग्राउंड मैंने इरेज कर लिया, अब हम सिंपली क्या करेंगे, ड्रो टूल पे जाके इस फोटो को हम सेव कर लेंगे अपने मोबाइल पे। ओके सो अब हमको जाना है बैक, बैक जाने के बाद गाइस हमको अलग बैकग्राउंड लेना, ठीक है, इस बैकग्राउंड का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऊपर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये बैकग्राउंड मैंने ढूंढा था, मैंने लिखा था गूगल पे स्ट्रीट बैकग्राउंड, तो ये गली की बैकग्राउंड आ गया था एंड काफ़ी मस्त बैकग्राउंड है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ऐड फोटो पे जाएंगे, ऐड फोटो पे जाने के बाद जो हमने फोटो इरेज करी थी इसका बैकग्राउंड उसको ऐसे ऐड कर देंगे, ठीक है, इसको हल्का सा नीचे कर देंगे एंड यहाँ से डन कर देंगे सिंपली। ओके गाइस सो हम जाएंगे ब्यूटी मोड पे, फेस फिक्स, इसका पूरा फेस को स्मूथ कर लेंगे जो भी हमारी स्किन है। सो गाइस हमने स्किन को स्मूथ कर लिया। ओके सो अब हमको जाना है ऐड फोटो पे, ऐड फोटो पे जाने के बाद गाइस, तो गाइस आपको दिख रहा होगा ये जो बुड्ढा बुड्ढे से लग रहा हूँ मैं, ये देखिए। सो ये जो ऐप है ना गाइस आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो कि सब अपनी फोटो जो है बुड्ढे में कर करके डाल रहे हैं, ऐसे बुढ़ापे का शौक चढ़ रहा है, तो इस ऐप का नाम है फेस ऐप, ठीक है, तो आप भी लोग डाउनलोड कर लेना, मैंने बता दिया इस वीडियो से, तो 2-in-1 वीडियो हो गई है। सो फेस ऐप है, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करते हैं तो कि भाई कौन से ऐप से कर रहे हो, तो ये इस ऐप का नाम है फेस ऐप, ठीक है, प्ले स्टोर पर सर्च करना मिल जाएगा सिंपली। ओके एंड ये फोटो मेरी इग्नोर करना, तो हम सिंपली क्या करेंगे, अब हमको जाना है गन का पीएनजी लेना ही वाला, ठीक है, देन गन का पीएनजी आपको यहाँ पे लगा देना अपने हाथ के पास एंड इसको ओपेसिटी कम करना अपने हाथ के पास ऐसे लगाएंगे, एंड जो भी ऊपर का एरिया आ रहा है उन सबको हम इरेज कर लेंगे, इरेजर के हार्डनेस को पूरा इंक्रीज कर लेंगे एंड फोटो जो भी एरिया आ रहा है गन को ऊपर से पूरा इरेज कर लेंगे। ओके गाइस सो ये हमने इरेज कर लिया, अब मैं इनकी वापस से ओपेसिटी बढ़ा दूंगा ऐसे, सो देखिए वैसे लग रहा है मैंने अपने हाथ में गन पकड़ रखी है एंड यहाँ से डन कर देंगे। ओके सो अब हमको जाना है ऐड फोटो पे, ऐड फोटो पे जाने के बाद गाइस हमको ये वाला पीएनजी लेना है, ठीक है, ये वाला जो ये क्या कहते हैं रेत के पार्टिकल्स है, देन ब्रांड पे जाके स्क्रीन कर देना एंड इसको ऐसे नीचे लगा देना सिंपली। ओके एंड ये फेस पे आ रहा है तो इसको मैं इरेज कर लूँगा सिंपली एंड यहाँ से डन कर देना, ठीक है। सो हम जाएंगे ऐड फोटो के अंदर, ऐड फोटो पे जाने के बाद हमको लेना है गाइस ये वाले पीएनजी, कहाँ गया, ये वाले पार्टिकल्स लेने आपको, ब्लर पार्टिकल जिसमें साइड में मैंने फोटो क्लिक कराई थी पीछे मुड़ के। सो इससे क्या होगा, एक अच्छा इल्यूजन बनेगा फोटो के अंदर, जैसे कि मैं इसमें गोली मार रहा हूँ एंड मैं थोड़ा सा साइड में हो रहा है कि गोली नहीं लगी, तो काफ़ी मस्त इल्यूजन बनेगा, तो इसको हमको यहाँ पे लगा देना है, ठीक है, एंड यहाँ से डन कर देना है। ओके गाइस सो ये हमारा सारा काम तो इसमें हो चुका, अब हम जाएंगे ड्रो टूल पे, ड्रो टूल पे जाने के बाद अपनी फोटो को ये सेव कर लेंगे। ओके सो गाइस अभी सेव नहीं करनी थी, एक चीज़ भूल गया, एक पीएनजी हमको और लगाना है ब्लर का पार्टिकल, क्या कहते हैं रेत का पार्टिकल्स, तो ऐड फोटो पे जाना है,
यार ये बुड्ढे की फोटो बार बार आ रही है मेरी, बार अजीब लग रहा है अभी। सो दोबारा से मैं इसको यहाँ इस वाले जो एक रेत का पीएनजी और लेना, हमको ये रेत का जो पार्टिकल्स है इनको भी हमें यहाँ पे लगा देना, ठीक है ऐसे, एंड यहाँ से डन कर देना। ओके सो अब हमको फोटो सेव कर लेनी है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ मैंने क्या करा, पहले बैकग्राउंड लिया, बैकग्राउंड के ऊपर मैंने अपनी फोटो को ऐड करा, ऐड फोटो पे करने के बाद मैंने ये अपने भी अलग ब्लर का पार्टिकल से लगाया, देन उसके बाद ये मैंने रेत का पीएनजी लगाया, ठीक है। सो आप सब लोग भी ये कर लेना, अब हम सिंपली इस फोटो को सेव कर लेंगे। सो अब हम खोलेंगे लाइट रूम बाबा अपने। सो लाइट रूम के अंदर अपनी फोटो को हमको ऐड कर लेना है। सो गाइस लाइट रूम के अंदर मैंने अपनी फोटो को ऐड कर लिया, अब हम इसके अंदर कलर ग्रेडिंग करेंगे बिल्कुल मस्त वाली। तो सबसे पहले हम ये सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, रुजा थोड़ा लोडिंग ले रहा है लाइट रूम बाबा हमारा, जल्दी हो जा रे। सो ये हमारा हो चुका है। सो इधर जाएंगे हम, शैडो को इंक्रीज करेंगे ऐसे, ठीक है, एंड ब्लैक कॉल का से कम। ओके देन नीचे टूल पे जाना, मिक्स पे जाना, सेकंड कलर सेलेक्ट करना ऑरेंज, एंड इसकी ल्यूमिनेंस को ऐसे बढ़ाना, इससे हमारे फेस पे ब्राइटनेस आएगी ऐसे सिंपली। ओके एंड यहाँ से डन कर देना, ठीक है। एंड गाइस जो इस फोटो का टेम्परेचर है हमको येलो टोन में रखना है, तो हम थोड़ा सा येलो टोन रखेंगे ऐसे सिंपली। ओके देन हम जाएंगे नीचे वाले टूल पे, क्लियरिटी को बढ़ाना फोटो की, एंड बिगनेट को ऐसे कम करना। सो क्लियरिटी ज़्यादा बढ़ गई इसको कम कर दूंगा मैं। ओके गाइस देन नीचे वाले टूल पे जाना, शार्पनेस नॉइस रिड्यूसर इन दोनों को इंक्रीज कर देना हमेशा की तरह अपनी फोटो में। सो क्लियरिटी को हल्का सा और कम कर दूंगा, कुछ ज़्यादा लग रही है मेरे को। सो गाइस अब हमको कहाँ पे जाना है, अब हमको ये वाला टूल सेलेक्ट करना है। तो मैं जानता हूँ लाइट रूम का ये वाला टूल सबके लाइट रूम में नहीं आता, सिर्फ ये उसमें आता है मॉडेड वर्जन में। तो मॉडेड वर्जन का लिंक मैंने आपको नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऊपर जाकर डाउनलोड कर लो। सो प्लस पे क्लिक करके यहाँ सेलेक्ट करेंगे थर्ड ऑप्शन ग्रेडियंट, देन इसको नीचे से ऐसे मारेंगे सिंपली, देन इधर जाना, इसका एक्सपोजर ऐसे कम कर देना। ओके एंड यहाँ से डन कर देना, ठीक है। देन हम दोबारा जाएंगे, दोबारा जाने के बाद हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे सेकंड वाला, एंड अपने फेस पे मार के इसकी ब्राइटनेस को ऐसे इंक्रीज कर लेंगे, एंड यहाँ से डन कर देंगे। ओके गाइस सो गाइस थोड़ा सा येलो कलर का जो सेचुरेशन है मैं उसको हल्का सा कम करूँगा, कुछ ज़्यादा सेचुरेशन लग रहा है ऐसे, हल्का सा कम बिल्कुल, ठीक है, एंड यहाँ से डन कर देना। ओके सो वापस से जाएंगे हम यहाँ पे फोटो के अंदर, हल्का सा कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर देंगे ऐसे, ठीक है। सो गाइस ये हमारी जो फोटो है पूरी अच्छी तरीके से एडिट हो चुकी है, एक नंबर फोटो लग रही है। सो मैं आपको दिखाता हूँ फोटो पहले कैसे थे, अब कैसी है, ये देखिए गाइस पिक्सआर्ट के अंदर कुछ इस तरह की फोटो थी, ठीक है, काफ़ी फेक लग रही थी फोटो, मज़ा नहीं आता फोटो के अंदर, लेकिन लाइट रूम के अंदर हमने कलर ग्रेडिंग करी, देखिए काफ़ी मस्त फोटो के अंदर इल्यूजन बनाए, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ फोटो, ये देखिए। एंड गाइस इसके अंदर काफ़ी मस्त इल्यूजन बनाए मैं बता रहा हूँ। सो अब आपको सिंपली क्या करना है, थ्री डॉट पे जाना, सेव टू डिवाइस, इस फोटो को अपने मोबाइल में सेव कर लेना। एंड गाइस आई होप आपको फोटो एडिटिंग पसंद आएगी, अगर आपको फोटो एडिटिंग पसंद आए तो इस तरह की आप अगर एडिट करते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर टैग करना, ठीक है। सो गाइस चलता हूं मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एडिटिंग करो, मोच करो, लव यू ऑल, बाय।